हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड 10 के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, शाओमी के काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए ऑफिशियली चाइना में एंड्रॉयड 10 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड यही सेम अपडेट आपको आने वाले कुछ ही दिनों में, जी हां दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर यही अपडेट आपको इंडिया में भी रोल आउट देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेडमी की नोट 8 सीरीज के बारे में, रेडमी के नोट 7 सीरीज़ के बारे में। एंड यहाँ पर मी A3 के यूजर्स भी परेशान है कि उन्हें एंड्रॉयड 10 का अपडेट कब तक मिलेगा, और पोको F1 के बारे में बात करेंगे। तो शाओमी के उन डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जिनमें कि आपको जल्दी आने वाले कुछ ही दिनों में एंड्रॉयड 10 का अपडेट इंडिया में रोल आउट देखने को मिलेगा। तो गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि Xiaomi के किसी भी डिवाइस में कोई भी अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस, अगर बात करी जाए एंड्रॉयड 10 के अपडेट के बारे में, तो ये है रेडमी K20 प्रो। एंड इसे यहाँ पर सितंबर के अंदर ही कुछ यूजर्स के लिए एंड्रॉयड 10 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया था, और बाकी सभी यूजर्स को अक्टूबर के मंथ में MIUI 11 के अपडेट के साथ एंड्रॉयड 10 का अपडेट इंडिया में रोल आउट कर दिया गया था, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। स्टेबल अपडेट में यहां पर रेडमी K20 प्रो पहला ऐसा डिवाइस था जिसमें कि अक्टूबर में ही सभी यूजर्स को एंड्रॉयड 10 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया था। एंड गाइस, अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बताया गया है कि चाइना में यहां पर रेडमी का रेडमी नोट 8 प्रो, जी हां दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, अब देख सकते हैं Redmi Note 8 Pro के लिए भी यहाँ पर चाइना का जो बीटा रोम है उसमें यहाँ पर Android 10 आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है उसके लिए यहाँ पर Android 10 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। Redmi Note 8 के लिए भी Android 10 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चाइनीज बीटा रोम है उसमें यहाँ पर Redmi का नोट 7 आप देख सकते हैं, जो कि इंडिया में Redmi Note 7 भी है, नोट 7 एस भी है, Redmi Note 7 Pro एंड यहाँ पर Redmi का जो K20 है उसके लिए भी चाइना में जो बीटा अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना में जो बीटा टेस्टिंग है ऑलरेडी इन डिवाइसेस के लिए रोल आउट यहाँ पर होना स्टार्ट हो चुका है। एक है रेडमी K20, दूसरा रेडमी नोट 7S, रेडमी नोट 7 प्रो। तो दोस्तों, इन डिवाइसेस के लिए यहाँ पर चाइना में बीटा अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, एंड जल्दी अभी आपको इंडिया में भी एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जनवरी के मंथ में किन किन डिवाइसेज में आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों, रेडमी K20 प्रो में ऑलरेडी एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल चुका है, अभी आपको रेडमी के K20 में, जी हाँ दोस्तों, K20 में आपको मिलेगा पोको F1 एंड आपका रेडमी नोट 8 प्रो और मी A3, जी हाँ दोस्तों, मी A3, पोको F1 एंड रेडमी K20 में आपको आने वाले 2-3 वीक्स के अंदर ही एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिल सकता है। जनवरी के अंदर ही आपको इन डिवाइसेज में एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर लिखकर बता देता हूं, तो आप देख सकते हैं जनवरी में K20, मी A3 और पोको F1 में अपडेट यहां पर 90% चांसेस है कि आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ बग्स की वजह से सस्पेंड हो जाता है तो फरवरी की स्टार्टिंग तक आपको इसमें अपडेट मिलेगा, जबकि दोस्तों फरवरी के मंथ में आपको रेडमी नोट 8 प्रो में सबसे पहले एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिलेगा। एंड गाइस, मी A2 एंड रेडमी नोट 8 प्रो में आपको फरवरी के मंथ में ही अपडेट देखने को मिल जाएगा, जबकि गाइस फरवरी की एंड तक या फिर मार्च की स्टार्टिंग में आपको रेडमी नोट 8, रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 7, नोट 7S, ये हमारे पास यहाँ पर डिवाइसेस है, मी A3 वगैरह सब है। तो जैसे ही यार अपडेट आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सारे डिवाइसेज आपके लिए परचेज करके रखे हैं, ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसका रिव्यू यार हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करें, उसके हिडन फीचर्स की वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। तो यार, इसी बात पर आपका एक सपोर्ट जरूर बनता है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट हमें दिखाइए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कितने एक्साइटेड है एंड्रॉयड 10 के अपडेट को लेकर। तो दोस्तों, जो मी A2 है उसमें फरवरी मार्च तक आपको एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलेगा, लेकिन जो मी A3 है उसमें आपको जनवरी एंड में एंड्रॉयड 10 का अपडेट देखने को मिलने वाला है, अगर कुछ बग्स की वगैरह वजह से सस्पेंड हो जाता है तो फरवरी स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, जो Redmi सीरीज के डिवाइसेज है उसमें आपको MIUI 11.1 या फिर 11.2, जो कि आपकी नेक्स्ट सीरीज होने वाली MIUI 11 की, उसके साथ आपको Android 10 का अपडेट देखने को मिलने वाला है। सनलाइट मोड, फोकस मोड वगैरह एंड और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको, कैमरा में भी फीचर्स आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो गाइस, आज की वीडियो में के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।